क्या कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ टेस्टी सा खाने का मन कर रहा है लेकिन क्या खाए वो नहीं समझ में आ रहा है? तो आप ऐसे वक्त पे नूडल्स की ये रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो 6 से 7 लाल मिर्च को मैंने 10 मिनट उबाल लिया है, फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 6 से 7 लहसुन की कली और थोड़ा सा अदरक। फिर इन तीनों का पेस्ट बनाने के बाद मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है और तेल में डाल देंगे पेस्ट। हमें इन तीनों के पेस्ट को अच्छी तरह से पका लेना है, फिर इसमें हम डाल देंगे सब्जियां। तो मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज, गाजर और बंद गोभी। फिर इसे भी 2 मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डाल दे रहा हूँ नूडल्स, विनेगर। विनेगर मैंने 1 छोटा चम्मच ले लिया है, 1 छोटा चम्मच सोया सॉस और 3 बड़े चम्मच केचप और नमक भी मैं साथ में ही डाल दे रहा हूँ। मैंने व्हाइट पेपर का यूज़ किया है, आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसे मिक्स कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे।